वेलकम टू डेल्टा एकेडमी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग बात करेंगे मैपिंग से संबंधित प्रमुख सागरों की। आज हम कुछ सागरों को शामिल करेंगे और उनकी साथ साथ विशेषता और उनकी जो स्थिति है, लोकेशन है मैप पर, वो उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो विश्व के प्रमुख सागर हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ आप लोगों से पूछी जाती रहती हैं, तो आप उन्हें अच्छे से तैयार करें। आज हम कुछ सागरों की बात करेंगे, जैसे नॉर्वेजियन सी, बीफोर्ट सी, वाइट सी, सर्गेसो सी, ये बाल्टिक सी, रेड सी, अराफुरा या कैरिबियन, इस प्रकार के हम कुछ सी को लेंगे और उसके बाद देखेंगे। दोस्तों, विश्व में जो ओशियन है वो हमारे मेन इम्पोर्टेंट, जैसे पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है और हिंद ओशियन है। इस प्रकार से छोटे छोटे और भी सी मिलते हैं जो कई बार लेक हैं और कई बार इन जो ये हमारे ओशियन है उनका पार्ट हैं, तो लोकली उनको हम लोग सी के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरिबियन सी की। यह है दक्षिण अमेरिका और क्यूबा के मध्य, आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर जो रेडिश पार्ट है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये सब कैरिबियन सी के अंतर्गत आता है, रेडिश वाला पार्ट। और इसमें जो है दक्षिण अमेरिका और क्यूबा के मध्य जो फैला हुआ क्षेत्र है वो अटलांटिक महासागर का भाग है और इसी को हम लोग कैरिबियन सी के रूप में जानते हैं। दोस्तों, यह जो है एक उच्च लवणता वाला सागर है और इस सागर में हरिकेन जैसे जो चक्रवात हैं, जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है वो आते हैं, तो यहाँ पर चक्रवात से बहुत आता है। जैसे हुती में कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा चक्रवात आया था और उसी प्रकार से और भी चक्रवात यहाँ पर आते रहते हैं जिनको हम हरिकेन कहते हैं। ये समुद्री लिटोर के लिए जो था पुराने समय में प्रसिद्ध था और लैटिन अमेरिका देशों के लिए जो है एक प्रमुख जलमार्ग है, तो आप लोग इसकी लोकेशन ट्रेस करेंगे। इसके ऊपर से जो है कई सारी जल संधि होकर जाती हैं, तो उन पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं अराफुरा सी की और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में फैला हुआ प्रशांत महासागर का जो पैसिफिक ओशियन है उसका भाग है। यहाँ पर जो है बॉक्साइट और मैग्नीस के जो भंडार हैं वो बहुत मिलते हैं और ये टॉरस जो जल संधि है इसको कोरल सागर से ये जोड़ती है। टॉरस जल संधि, जल संधि का मतलब यहाँ पर वाटर स्ट्रेट से है, तो यहाँ पर एक टॉरस वाटर स्ट्रेट मिलती है जो मोती उत्पादन के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। आप लोग इसे देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है, आगे पापुआ निगिन से नीचे थी। अब हम बात करेंगे रेड सी की। यह जो है अफ्रीका और एशिया के बीच फैला हुआ एक सागर है जो हिंद महासागर का भाग है और कई बार हम लोग इसे एक भ्रंश घाटी के रूप में देखते हैं। एक ये कगार के रूप में है और हिंद महासागर से अलग है, जबकि जो बाबल मंडेव वाटर स्टेट है, जल संधि है, इसे हिंद महासागर से जोड़ती है। दोस्तों, भारत के लिए इसका आर्थिक, सामरिक और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व प्रसिद्ध जो स्वेज नहर है वो इसी में भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आप लोग यहाँ पर स्वेज लिखा हुआ कैरो के पास में देख रहे होंगे, जो पोर्ट ऑफ सईद का हिस्सा है मेडिटेरेनियन सी के पास में, तो ये हमारा रेड सी है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जब से स्वेज नहर खुली है तब से उसने बहुत सारा जो हमारी यात्राएं थी उसको आसान बनाया, समुद्री यात्राओं को। पहले हमें इससे पहले पूरा अफ्रीका का चक्कर काट कर आना पड़ता था अगर यूरोप जाना होता है, लेकिन अब हम सीधा स्वेज नहर से मध्य जो सागर है भूमध्य सागर उससे होते हुए यात्राओं को पूरा करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बाल्टिक सागर की। बाल्टिक सागर जो है यूरोप के मध्यवर्ती भाग में स्थित एक बंद सागर के रूप में है। ये एक तरफ से बंद आप लोगों को दिख रहा होगा जो गल्फ ऑफ बोथनिया के रूप में, गल्फ ऑफ फिनलैंड के रूप में दिखाई दे रहा है, तो ये बाल्टिक ओशन है। और इस बाल्टिक ओशन की जो खासियत है, ये अटलांटिक महासागर का पार्ट है और इसकी जो चूँकि चारों तरफ जो है काफ़ी नदियाँ इसमें आकर गिरती हैं, इसलिए इसकी जो लवणता है वो कम है और यहाँ पर बहुत सारी नदियों का मुहाना है। इसका जो कील नहर है वो इसे नॉर्थ जो सागर है उससे जोड़ देती है, उत्तरी जो सागर है उसको कील नहर के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट थी। नेक्स्ट देखते हैं सर्गेसो सी। सर्गेसो सी एक आर्टिफिशियल सी कहेंगे क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो है एक सर्गेसम नाम की जो घास है वो मिलती है और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर गोल गोल हवाएँ घूमती हैं,
तो यहाँ पर ये सरकेसो जो है लंबी जड़ वाला वो होता है, इसलिए इसमें जो नौकायन है वो नहीं किया जा सकता है। और इस सागर में जो जल की गति होती है वो ना के बराबर है, इसकी लंबता बहुत अधिक है क्योंकि पानी खड़ा रहता है और इसमें मूवमेंट नहीं होता है, इस वजह से इसकी जो लंबता है वो बहुत ऊपर हो गई है। और अटलांटिक ओशियन जो है यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा इसमें लंबता पाई जाती है। इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 27 डिग्री के आसपास मिलता है। अब हम बात करेंगे वाइट सी की। वाइट सी जो है, जो सफ़ेद सागर है, वो रूस के उत्तर में स्थित है और ये आर्कटिक महासागर का भाग है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो ये जम जाता है, इसलिए इसे वाइट सी कहते हैं। यहाँ पर जो है सील मछली का उत्पादन जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है और इसको नहर के द्वारा जो है मास्को से जोड़ा गया है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वाइट सी का ऊपरी हिस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे नॉर्वेजियन सी की। नॉर्वेजियन सी जो है यह उत्तरी अटलांटिक का भाग है और जो यूरोप के पश्चिम में है। इस सागर की लंबता जो है वो जो गल्फ़ स्ट्रीम धाराएं चलती हैं, लैब्राडोर और गल्फ़ स्ट्रीम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये जो हमारा इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, ये विषुवतीय काउंटर एक करंट इस टाइप से बहती है और यहाँ पर ये ऐसे करती हुई यहाँ गल्फ स्ट्रीम के रूप में जानी जाती है। और यहाँ से इसमें ऊपर से जो है लैब्राडोर करंट आती है जो यहाँ पर ब्यूफोर्ट के पास में मिलती है। ब्यूफोर्ट जो सागर है उसके सागर नहीं कहेंगे, ब्यूफोर्ट आइलैंड से यहाँ पर उसमें ये मिलती है यहाँ पर। तो हम नॉर्वेजियन सी अब इसके आगे है, तो नॉर्वेजियन सी जो है इससे जो ये गल्फ़ स्ट्रीम करंट है ये आगे तक ऊपर जाती है और फिर ऊपर ऐसे नॉर्वे में चली जाती है, जिससे नॉर्वे में गर्माहट रहती है तटीय किनारों पर। और जो हमारा इंग्लैंड है वहाँ पर भी इसी कारण रहती है, अगर ये हवा नहीं होती, सॉरी करंट नहीं होती, वाटर करंट, तो फिर वहाँ पर जो है बर्फ़ जमी रहती। और इसके कारण हम इसे कह सकते हैं कि इस सागर की जो लंबता है वो गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव से जो है काफ़ी ऊंची रहती है। और ये उथला सागर एक तरीके से, और यहाँ पर जो मत्स्य है, जो मछली पालन का कार्य है, साथ साथ में जो तेल के उत्पादन है वो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर कई प्रकार की मछलियाँ जो हैं वो मिलती हैं, जैसे कॉड है, मकरेल है, इस टाइप की जो मछलियाँ वो काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, अगला हम ब्यूफोर्ट सी के बारे में बात कर सकते हैं। और ब्यूफोर्ट में ये कनाडा के नॉर्थ में मिलता है, कनाडा का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है आप लोग यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये ब्यूफोर्ट सागर का है। और ब्यूफोर्ट सागर जो है इसमें ये आर्कटिक महासागर का भाग है और पूरे साल भर जो है एक तरीके से ये हिम से या बर्फ़ से ढका रहता है। और यहाँ पर जो पेट्रोलियम के सेडिमेंट्स हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और जैसे नदियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें मैकेंजी नदी, तो मैकेंजी नदी का ये मुहाना है, इसमें मैकेंजी नदी जाकर गिरती है। दोस्तों इस प्रकार के और भी हम सागरों को नए क्लास में चर्चा करेंगे और मुझे आशा है कि आप लोगों को इस प्रकार के जो ये समुद्र हैं जो लोकली जाने जाते हैं उसके बारे में कुछ समझ विकसित हुई होगी। इसी प्रकार की और एक क्लास में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।